कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। फिल्म ने 275 करोड़ तक की कमाई कर ली, लेकिन लगातार कंट्रोवर्सी में भी छाई रही। फिल्म के डायरेक्टर संदीप आगर रेड्डी के बाद अब फिल्म के एक्टर शाहिद कपूर ने कबीर सिंह की आलोचनाओं पर बयान दिया है। फिल्म की रिलीज के लगभग एक महीने बाद शाहिद ने इस कंट्रोवर्सी पर बात की है। शाहिद कपूर ने कहा, मैंने अब तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मुझे समझ आ रहा था अभी लोग गुस्से में हैं। मुझे शांत रहना ज्यादा सही लगा। वैसे भी मुझे अपनी फिल्म का बचाव करने की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि फिल्म के फैंस खुद ही यह काम कर रहे थे। मैंने ना फिल्म को प्रमोट किया और ना ही इसका बचाव किया। शाहिद ने कहा, जब ऐसी ही फिल्में हॉलीवुड में बनती हैं तो लोग यही कहते हैं कि कितनी दमदार फिल्म बनाई है, पूरी तारीफ की जाती है, लेकिन यही अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो इसकी आलोचना हो रही है। ऐसी दोहरी सोच क्यों? अपने किरदार का बचाव करते हुए शाहिद ने कहा, कबीर सिंह के सिर्फ एक दिक्कत थी, वह थी उसका गुस्सा। थप्पड़ मारने वाले सीन की बात करें तो यदि कबीर प्रीति को थप्पड़ नहीं मारता तो बाकी सब जो उसने फिल्म में किया वो सही होता क्या? क्योंकि उसने लड़की को थप्पड़ मारा, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। शाहिद ने कहा, कबीर सिंह ऐसा किरदार था जिसे मुश्किल से स्वीकारा जाए और हम चाहते थे कि आप भी ऐसा ही फील करें। ये फिल्म ऐसे ही कबीर सिंह की कहानी थी। कबीर सिंह सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बल्कि उसके भाई, मामा, प्रिंसिपल, दोस्त सबके लिए अग्रेसिव था, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक ही चीज का बनाया गया।